हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने इंग्लिश पेडागोजी पे एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 3-4 लेक्चर्स में पहले ये अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये आज की जो वीडियो है, ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज में। लाइन वाइज लेक्चर्स वो भी आपको मिलते रहेंगे। हमने वहाँ पर दो स्किल्स कर ली थी, जैसे लैंग्वेज स्किल्स हम कर रहे थे, राइट? तो हमने वहां पर स्पीकिंग स्किल कर ली है, लिसनिंग स्किल कर ली है। नेक्स्ट जो स्किल है उस पर मैं कल या परसों आपके लिए लेक्चर डाल दूंगी। बट आज की जो वीडियो है, इसमें हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिक्टेशन वर्ड तो आप सब ने सुना होगा कि डिक्टेशन क्या है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रही हूँ, ये आपको ऊपर कहीं पे भी साइड में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से इजिली लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सो, मैं आपको बता रही थी कि डिक्टेशन क्या होता है। तो जो डिक्टेशन होता है, जैसे हम स्कूल्स में भी थे, तो स्कूल्स में क्या होता था कि जब छोटे होते थे, राइट, तो जो टीचर होता था वो हमें कुछ वर्ड्स बोलता था। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि प्रोफेसर, तो सभी बच्चे प्रोफेसर वर्ड को अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसी तरह फिर जो टीचर है वो बोलेगा क्यूरियोसिटी, ये सेकेंड वर्ड हो गया, तो बच्चे उस वर्ड को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो मेनली टीचर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोलेगा और बच्चे उन वर्ड्स को लिखेंगे, नोट करेंगे। इसे बोलते हैं डिक्टेशन। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी होता था, जैसे कि टीचर जो होता था वो बच्चों को बोलता था कि 5 लिखो, तो बच्चे 5 लिखेंगे। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होता है, जब बच्चे जो होते हैं वो 1, 2, 3 मतलब कि काउंटिंग सीख रहे होते हैं। तो बीच बीच में से बच्चों को वर्ड बोला जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चों को जो काउंटिंग है, जो अक्षर है, उनकी कितनी पहचान है। तो वो होता है डिक्टेशन। अब आप सोचेंगे कि जो डिक्टेशन है उसका हमारी इंग्लिश पेडागोजी में क्या काम है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 3-4 टर्म्स है, जैसे कि म्यूचुअल डिक्टेशन हो गया, राइट? म्यूचुअल डिक्टेशन क्या होता है। इसी तरह हमारे पास पार्शियल डिक्टेशन है, रनिंग डिक्टेशन है एंड ग्रामर डिक्टेशन है। ये जो 4 टर्म्स हैं, ये इंग्लिश पेडागोजी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल डिक्टेशन की, म्यूचुअल डिक्टेशन क्या होता है। तो अभी म्यूचुअल डिक्टेशन में क्या होगा कि जो टीचर है वो बच्चों को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, कि अलग अलग ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप में टोटल 2 स्टूडेंट्स होंगे। तो उन स्टूडेंट्स का काम क्या है कि पहले एक बच्चा आएगा, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वर्ड्स को बोलना शुरू करेगा, या फिर वो एक टेक्स्ट बुक उसके पास होगी तो उस टेक्स्ट को पढ़ेगा। तो जो सेकंड स्टूडेंट है, जिसका नाम है स्टूडेंट बी, हम ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में हम इनको रखते हैं। स्टूडेंट ए क्या करेगा कि टेक्स्ट को पढ़ेगा, और स्टूडेंट बी का काम क्या है कि जो भी टेक्स्ट स्टूडेंट ए पढ़ रहा है, स्टूडेंट बी उसको नोट करेगा, उसको लिखेगा, ठीक है ना। चाहे वो कोई टेक्स्ट पढ़ रहा है स्टूडेंट ए, या फिर कोई वर्ड्स रीड कर रहा है, जो भी वो वर्ड्स रीड करेगा, जो भी वो टेक्स्ट रीड करेगा, जो स्टूडेंट बी है उसका काम है कि वह उन टेक्स्ट को क्या करेगा, नोट करेगा, ठीक है जी। तो पहले तो ये प्रोसेस होगी। अब सेकंड क्या होगा कि उन दोनों का जो रोल है वो स्विच हो जाएगा, उन दोनों का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जो स्टूडेंट बी जो पहले नोट्स ले रहा था, लिख रहा था, अब वो क्या करेगा, स्टूडेंट ए की जगह पर चला जाएगा। जो पहले नोट्स ले रहा था, लिख रहा था बच्चा, अब वो क्या करेगा, टेक्स्ट रीड करेगा। और जो बच्चा पहले टेक्स्ट रीड कर रहा था, अब वो लिखना शुरू करेगा, मतलब कि उनका रोल रिवर्स हो जाएगा। अब क्या करेगा, जो स्टूडेंट बी है वो क्या करेगा, टेक्स्ट रीड करेगा, और जो स्टूडेंट ए है वो क्या करेगा, लिखना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन, मतलब कि पहले एक बच्चा रीड करेगा, टेक्स्ट को रीड करेगा, सेकंड बच्चा उसको लिखेगा, फिर उन दोनों का रोल चेंज हो जाएगा। जो सेकंड स्टूडेंट है वो अब रीड करेगा, और जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, लिखना शुरू कर देगा। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन, ठीक हो गया जी। आई होप आपको टर्म क्लियर हो गई होगी कि म्यूचुअल डिक्टेशन क्या है। बच्चों को 2-2 के पेयर में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि पहले राउंड में एक बच्चा टेक्स्ट पढ़ेगा, दूसरा बच्चा लिखेगा। सेकेंड राउंड में क्या होगा, जो बच्चा पहले लिख रहा था अब वो टेक्स्ट रीड करेगा, और जो बच्चा पहले टेक्स्ट रीड कर रहा था वो अब लिखना शुरू कर देगा, ठीक है जी। इसे बोलते हैं हम म्यूचुअल डिक्टेशन, मतलब कि आपस में एक दूसरे को वो क्या करेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। ये होगी हमारी म्यूचुअल डिक्टेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड करेंगे ग्रामर डिक्टेशन, ठीक है जी। सेकेंड है हमारी ग्रामर डिक्टेशन। तो ग्रामर डिक्टेशन में क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या करेगा, एक टेक्स्ट रीड करेगा, ठीक है ना।
टीचर क्या करेगा, एक टेक्स्ट रीड करेगा, पर टेक्स्ट रीड करने से पहले जो टीचर है वो सभी बच्चों को एक एक शीट बांट देगा, ठीक है ना। उस शीट्स में क्या लिखा होगा, उन शीट्स पर लिखा होगा जैसे कि जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, लाइक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, तो सबके अलग अलग कॉलम वहां पर बने हैं। नाउन का जो कॉलम है वो अलग से बना हुआ है, प्रोनाउन का जो कॉलम है वो अलग से बना हुआ है, एडजेक्टिव का जो कॉलम है वो अलग से बना है, और जो एडवर्ब का कॉलम है वो अलग से बना हुआ है। अब जब सब बच्चों के पास वो शीट आ जाएगी तो अब टीचर क्या करेगा, क्लास में खड़ा होकर टेक्स्ट रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, लाइंस बोलना शुरू कर देगा। तो अब बच्चों का पार्ट वहां पर क्या है, बच्चे क्या करेंगे, जो भी चीज टीचर बोल रहा है बच्चे उस चीज को ध्यान से सुनेंगे और उस चीज में से वो क्या करेंगे, नाउन क्या है वो पहचानेंगे। उनको अगर सपोज करो टीचर ने एक लाइन बोली है, ठीक है ना, उसमें जो भी नाउन है बच्चे उस नाउन को पहचानेंगे, और जो उनके पास शीट दी गई है टीचर द्वारा, उस शीट में दिए गए जो नाउन वाला कॉलम है उसमें वो वर्ड लिख देंगे जो भी नाउन है, ठीक है जी। अब क्या है, टीचर जो है वो सेकंड सेंटेंस बोलेगा, सपोज करो उस सेंटेंस में एक वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो बच्चे उस एडजेक्टिव को पहचानेंगे और उसे क्या करेंगे, अपनी शीट पर लिख देंगे एडजेक्टिव वाले कॉलम में, राइट। अब क्या है, टीचर जो है वो थर्ड सेंटेंस पढ़ेगा, थर्ड सेंटेंस पढ़ेगा तो उसमें कोई प्रोनाउन यूज करेगा टीचर, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें से उस प्रोनाउन को पहचानेंगे और उसे अपनी शीट पर नोट डाउन करेंगे। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि जो भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उन सबको बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर के द्वारा बोले गए सेंटेंसेस में से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को पहचान रहे हैं और उन्हें अपनी अपनी शीट पर नोट डाउन कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको नाउन क्या होता है उसकी पहचान हो रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। काफी सारे वर्ड्स में से जहां पर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं उनमें से नाउन पर्टिकुलरली क्या है वो बच्चे पहचान रहे हैं, एडजेक्टिव क्या है उनकी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की, एडवर्ब क्या है उनमें उसकी प्रैक्टिस हो रही है। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फन वे में, इंटरेस्टिंग वे में जो ग्रामर्स हैं, ग्रामर के टॉपिक इजिली सीख जाते हैं, या ग्रामर्स के जितने भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है उन सबको पहचानना सीख जाते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक फन वे भी हो जाता है बच्चों के लिए और उनके लिए सीखना, चीजों को लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये है हमारा ग्रामर डिक्टेशन। आई होप आपको ये जो पोर्शन है वो, ये जो टर्म है बेसिकली वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, मैं वहां पर फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में सभी टर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट मुझे लगता नहीं है इसकी नौबत आएगी, बिकॉज आई थिंक मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। अब हम मूव करते हैं थर्ड टर्म की तरफ। जो हमारी थर्ड टर्म रहेगी उसमें क्या होगा, वो है हमारी पार्शियल डिक्टेशन, ठीक हो गया जी। थर्ड टर्म क्या है, पार्शियल डिक्टेशन। अब पार्शियल डिक्टेशन में क्या होगा, अगेन जो टीचर है वो बच्चों को एक एक शीट जो है वो क्या करेगा, बांट देगा, ठीक है। टीचर ने क्या किया, एक एक शीट बच्चों को बांट दी, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्या है कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बट वो जो भी टेक्स्ट लिखा है, वो जो भी पैराग्राफ लिखा गया है उस शीट के ऊपर, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है, कुछ फ्रेजेस को डिलीट कर दिया गया है। एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, राइट, उसमें से लाइन में से दो वर्ड्स को डिलीट कर दिया है, लाइन में से दो वर्ड्स को लिखा नहीं गया। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है, एक पूरी लाइन दी होती है बट उसमें दो तीन वर्ड्स जो होते हैं वो मिस होते हैं, वही होता है हमारा पार्शियल डिक्टेशन में से भी, कि जो आपको शीट प्रोवाइड की गई है उसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये आपके पास है शीट में लिखा हुआ। अब क्या होगा कि जो टीचर है वो आएगा, टीचर आपके लिए आकर
टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेगा, टीचर आपके लिए बोलना शुरू करेगा, सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा, आपके लिए जो भी टेक्स्ट है उसे रीड करना शुरू कर देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बच्चों का रोल क्या, टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि वो टेक्स्ट रीड करेगा, बच्चों का रोल यहाँ पर क्या आता है कि वो टीचर को ध्यान से सुने जो भी टीचर बोल रहा है, और उसको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जो शीट उनके पास दी गई है उस शीट में जितने भी डिलीटेड वर्ड्स हैं या जो भी वर्ड्स मिस हैं, बच्चे टीचर को ध्यान से सुनकर जो मिसिंग वर्ड है उनको अपनी शीट में फिल करेंगे, उनको अपनी लाइंस में, पैराग्राफ्स में वो फिल करेंगे। जो भी फ्रेजेस शीट में गायब थे, जो भी फ्रेजेस शीट में मिस थे, वो टीचर को सुनेंगे, क्योंकि टीचर जो है वो सेम चीजें रिपीट करेगा, जो कुछ भी शीट पे लिखा हुआ है सेम टेक्स्ट जो है वो टीचर पढ़ रहा है। अब जो टीचर है वो क्या करेगा, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, ठीक है ना, पूरा टेक्स्ट पढ़ेगा, उसमें जो शीट में जो वर्ड्स मिस थे वो भी टीचर पढ़ रहा है। अब जब टीचर उन वर्ड्स को बोलेगा तो बच्चे जब उन वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे उन्हें पता लग जाएगा कि इस लाइन में जो वर्ड मिस है वो क्या है, तो बच्चे क्या करेंगे उस वर्ड को वहां पर फिल कर देंगे। बच्चे जो है अगर वो टीचर को ध्यान से सुनेंगे तभी वो अपना ये काम कर पाएंगे, तभी वो वर्ड्स जो है वो शीट के ऊपर लिख पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों का काम क्या है कि वो टीचर को ध्यान से सुने और टीचर जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उन वर्ड्स को, उन लाइंस को अच्छे से सुनकर जो वर्ड्स शीट के ऊपर मिस है या जो फ्रेजेस शीट पर मिसिंग है उन फ्रेजेस को वो वहां पर फिल कर दें। तो इस प्रक्रिया को, इस जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिक्टेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की जो हमारी लास्ट टर्म है वो है हमारी रनिंग डिक्टेशन। रनिंग डिक्टेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है बच्चों को सिखाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी गेम्स भी होती हैं, लाइक जैसे हमारे कुछ शोज होते हैं जैसे कि खतरों के खिलाड़ी है, वहां पर भी एक दो बार ये जो प्रोसेस है रनिंग एक्टिविटी वाला जो एक चीज है वो वहां पर भी परफॉर्म की गई है एक दो बार। तो बट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन रिलेट। तो रनिंग डिक्टेशन में अब क्या हो रहा है कि जो टीचर है वो क्या करेगा, पहले से ही कुछ स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर कुछ वर्ड्स या उनके ऊपर कुछ फ्रेजेस लिख देगा, ठीक है ना। टीचर का काम क्या है कि घर से वो कुछ चिट्स प्रिपेयर करेगा, कुछ पर्ची प्रिपेयर करेगा, पर्चियां जिनको हम बोल देते हैं, चिट्स जो बोल देते हैं, वो प्रिपेयर करेगा। जैसे 10-15 चीट्स प्रिपेयर कर ली, उन 10-15 चीट्स के ऊपर अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं या फिर अलग अलग फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ऐसा एक टीचर ने चिट्स प्रिपेयर कर ली, अब क्या होगा, क्लासरूम में दो लोकेशन बनाई जाएंगी। एक तो रूम के इस तरफ लोकेशन होगी जहां पर एक टेबल रखा होगा, रूम का जो दूसरा एंड है वहां पर क्या होगा, एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होगा। तो जो बीच का डिस्टेंस है वो बच्चों के लिए रखा जाएगा, मतलब एक साइड पर क्या हो गया टेबल रखा हुआ है, दूसरे साइड पर रूम के क्या लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। अब क्या है, दो बच्चे यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, तीन बच्चे भी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो यहां पर क्या होगा कि जो एक बच्चा है वो एक चिट उठाएगा, चिट उठाने के बाद उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या होगा वो बच्चा भाग कर जाएगा दूसरी तरफ जहां पर बोर्ड लगा है, ठीक है ना, जहां पर क्या लगा है वह बोर्ड लगा हुआ है। तो वहां पर ऑलरेडी एक बच्चा खड़ा होगा, जो बच्चे ने चिट देखी थी वो बच्चा क्या करेगा, दूसरे बच्चे को जाकर बताएगा कि चिट में लिखा क्या था। तो वो जो बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा हुआ था, वो बच्चा क्या करेगा, जो भी फर्स्ट स्टूडेंट ने उसे बताया है कि चिट पर क्या लिखा है उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देगा। एक तो ये प्रोसेस होती है हमारी। सेकंड क्या होता है कि पूरी क्लास होगी, पूरी क्लास को परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। बच्चा क्या होगा कि लाइन में खड़े हैं, बच्चा क्या करेगा, अब जब बच्चे की टर्न आएगी वो एक चिट उठाएगा, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा, उसके बाद भागकर वो क्या करेगा, रूम का जो दूसरी साइड है जहां पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है वहां पर जाएगा और जो कुछ भी चिट में लिखा हुआ था उसको व्हाइट बोर्ड पर लिख देगा। उसके बाद दूसरे बच्चे की टर्न आएगी, दूसरा बच्चा आएगा, फिर क्या करेगा, वो टेबल के ऊपर से एक चिट उठाएगा, चिट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद भागकर वो
रूम के दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड में जाकर जो बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड उसके ऊपर लिख देगा जो कुछ भी उसने चिट में रीड किया था। तो अब क्या है, थर्ड स्टूडेंट आएगा, थर्ड स्टूडेंट अगेन एक चिट उठाएगा, जो कुछ भी उस चिट में लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, भाग कर रूम के दूसरी साइड जाएगा जहां पर व्हाइट बोर्ड लगा है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाकर जो भी उसने चिट में पढ़ा था वो लिख देगा। तो ये जो भाग कर जाने वाला टाइम है इसमें क्या होता है, इस यू नो एक्टिविटी का यूज क्या है, बच्चे ने एक वर्ड पढ़ा, वो जो वर्ड होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके स्पेलिंग्स हो सकते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो। बच्चा जब तक एक प्लेस से भागकर दूसरे प्लेस जाएगा तो सम टाइम क्या होता है कि जो वर्ड उसने पढ़ा है वो भूल जाता है बच्चा, या फिर क्या होता है कि जो भी वर्ड उसने पढ़ा है उसके स्पेलिंग आगे पीछे हो जाते हैं उसके माइंड में। तो बच्चे जब जाकर वहां पर लिखेगा तो इससे क्या होता है, उसकी मेमोरी जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है, ठीक है ना। जो बच्चा है वो वर्ड्स को पहचानना सीख जाता है, बच्चा स्पेलिंग लर्न कर लेता है, या फिर बच्चे को नए नए फ्रेजेस वहां से सीखने को मिलते हैं। इस तरह से जो बच्चा है वो फन में क्या करता है, नए नए वर्ड्स सीख जाता है, उनके स्पेलिंग्स अच्छे से सीख जाता है, और क्या होता है कि उसकी जो मेमोरी है चीजों को याद रखने की, चीजों को पहचानने की जो उसकी एबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है। तो इसको हम बोलते हैं रनिंग डिक्टेशन। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले थे कि कौन कौन सी डिक्टेशंस होती हैं। ये जो है ये पहले भी एक बार इंग्लिश पेडागोजी का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज म्यूचुअल डिक्टेशन। यहाँ पर म्यूचुअल डिक्टेशन की जो है उसकी यू नो डेफिनेशन दी हुई थी। डेफिनेशन देने के बाद नीचे चार ऑप्शन थे, म्यूचुअल डिक्टेशन हो गया, रनिंग डिक्टेशन हो गया, पार्शियल डिक्टेशन हो गया, या फिर ग्रामर डिक्टेशन हो गया। तो आपको वो पहचानना था कि कौन सी डिक्टेशन है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।